प्रिय सजनों, आपको जानकर यह हर्ष होगा, रिकॉर्डिंग भगवान भोलेनाथ की शादी की हो रही है। तो मुझे आशा है कि बड़े प्रेम के साथ में हमारे प्रेमीजन इसको सुनने की कृपा करेंगे। एक बार भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत में विराजमान थे, तो हाथ जोड़ करके नादिया कहने लगा, हे नाथ, सतयुग द्वापर त्रेता, ये तीनों युग निकलने के बाद में आगे कलयुग काल ऐसे आ जाएंगे कि सेवा बंदगी किसने चलाई, मगर कोई प्राणी आपका मुखारवन से नाम तक नहीं लेगा। इसलिए नाथ, आप कोई अवतार पैदा कर लीजिए। तो भगवान शिव ने अपने अंग से भस्म छुटा करके और शक्ति पार्वती को उत्पन्न की। अब हाथ जोड़ करके नादिया कहने लगा, महाराज, ये तो शक्ति का जन्म हो चुका है। हाँ नादिया, मैंने जब इस शक्ति को उत्पन्न किए, क्योंकि इसको मैं 108 बार पैदा कर चुका हूं और काट काट करके इनके शीश और गले में रंजन की माला धारण करता गया हूं, तभी ये शक्ति ने ये कहा कि मेरे साथ में शादी करिए। अब मैं 12 साल की पलक लगा करके सोता हूं, तो 12 वर्ष की पलक लगा के महादेव मन का लहरी, 12 वर्ष में जगे महादेव, खोल पलक बम देखे दिगंबर, तो हाथ जोड़ गौरांठा दी, हे देवी, आपने तो हमारी बहुत गहरी तपस्या की है, आप क्या मांगना चाहती हैं? नाथ, मैं तो बारंबार आपसे यही निवेदन करती रही हूं, मैं आपके साथ में शादी करवाना चाहती हूं। नहीं देवी, तुम्हारा और हमारा पिता और पुत्री का रिश्ता है, मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं करवा सकता। क्या महाराज, मेरे साथ में आप शादी नहीं करवाएंगे तो मैं आपको श्राफ दूंगी। नहीं देवी, श्राफ नहीं दीजिए, आप राजा हेमाचल के यहाँ जाइए और वहां जाकर के आप उनके अवतार लीजिए। क्या महाराज, वहां अब मेरे साथ में शादी करेंगे? हाँ, अविश करूंगा। कि महाराज, 3 वचन दीजिए। बमे बम यारे, बमे बम बमे अगड़े, बमे बमे बम लहरी, मारी थाप कर डाली खाप, जब मिल गई माटी में माटी, बचन भरवाए गवार कर डाले गवार गोरा ढेरी, उड़ गए हन से कायार कुम लाई, राजा हे माँ जल कर सुरत धरी, नौ से नंदी नार खोज गई रे माई पार्वते, गई माई पार्वते, चतर साल में सोए तिराने वागारा सपना देती,
सत जुग झूठ बुरी लागे, अस्सी साल की रे उम्र तेरी, सौ बरस की है मेरी, स्याही मेरी गई है सफेदी आ गई, जाने उतर गुडा पो आ गयो, मन में कन्या नाए, अब भजन सुनो महादेव जती का, ध्यान धरो माई पार्वती का, बोलो शंकर भगवान की जय। क्या मजा, हिमाचल के यहाँ मुझे भेज रहे हैं? हाँ देवी, आपको अवश्य जाना पड़ेगा। महाराज, आप राजा हिमाचल के यहाँ पधारेंगे तो कौन सी भेष से पधारेंगे? क्यों देवी, क्या बात है जो मेरे भेष बतलाऊं आपको? देखो, डूंडा ना दिया फूटा नंगारा, घूटा से नौबत बाजे, तीन जटा मेरे कहिए शीश पे, देनी जटा सिद्ध का बासा बाई में गंगा गाजे। हे देवी, आप मेरे भेष देख लो, जिसके बाद में आप मेरे साथ में शादी करना। तो भगवान भोलेनाथ ने जिस शिला पे उत्पन्न की थी उसी पे बसमंत कर दी। राजा हिमाचल की रानी मैना अपने भवन में सो रही थी, वहां जाकर के सपने में इनको दर्शन दिए, हे माता, मैं आपके यहाँ जन्म लेना चाहती हूँ। तो प्रिय सज्जनों, कि इनका जन्म बतलाते हैं फागण का महीना लगा, जब शिव तेरस कन्या जन्मी। मगर शिव पुराण कहता है कि इनका जन्म हुआ था कि श्रावण के महीने में तीजों के त्योहार पर, और राजा दक्ष के यहाँ अवतार हुआ था चैत के महीना में गणगौर के रोज, जिसको आज तक हमारी बहन बेटियां बड़े प्यार के साथ में गाती हैं, महाराज 16 दिन को चालो ईसर ले चालो गणगौर, वो गौरी पूजा आज तक होती है। तो अब राजा हिमाचल ने अपने ब्राह्मण को बुला करके और कहने लगे, हे महाराज, आप देखिए हमारा कन्या का जो अवतार हुआ है ये कौन से चौघड़िया से हुआ है। तो अब पंडित राज वेद देख करके और महाराज हिमाचल से कह रहे हैं, I'm
बोल शंकर भगवान की जय। हे पंडित राज, आपने कहा कुछ ही? हाँ महाराज, मैंने अरिस कहा, मैं चार वेद पढ़ चुका हूँ, मगर जो आपकी कन्या है इसका पार के वास्ते मैं नहीं पा सकता। हे महाराज, ऐसी क्या बात है? मेरे वेद और शास्त्र में इनके चार नाम लिखे हैं। पहला नाम तो माया लक्ष्मी, दूसरा नाम है सावित्री, तीसरा नाम इनका गंगा गवर्जा, तो चौथा नाम भोली पार्वती। हे राजन, जिस वक्त आप इनकी शादी करेंगे तो इनकी शादी की उपमा कौन कभी वर्णन कर सकता है? महाराज, 33 करोड़ 36 देवता इनकी शादी में पधारेंगे। तो सोना का चका पंडित जी महाराज को दे करके और यहाँ से विदा कर दिए। अब माता पार्वती 1 साल की हुई तो माता और पिता को प्यारी लगे, 2 साल की हुई चांद सूरज को बहुत प्यारी लगे, 3 साल की हुई तीनों ही लोक में बहुत उजियाला इनका प्रकाश हो रहा, 4 वर्ष की हुई पार्वती तो चारों वेद पढ़े लड़की, 5 वर्ष की हुई पार्वती 5 तत्व को ज्ञान करे, 6 वर्ष की हुई पार्वती बागों की वो सहल करे, कली कली का हार गुथावे, गुप्त माल भगवान भोलेनाथ के कैलाश में पहुंचावे, चंदा लखे न सूरज वन में एक पौने के साथ ही मिला भेजे, जिस समय 7 साल की हुई गंगा के तट पे जाती है और स्नान करती है और कहती है, ये हम जोली भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए कि सखी कैसे ले। सीरा बासी नाथ मारा पर्वतरा बासे, तीजो दर्शन आए नाथ तेरा चरणों के दासे, भोजन रखा जी पानी भरा गिलास नाथ जी पानी भरा गिलास, शिव जी थारी याद में मन भूख लगे ना प्यास की अखिया दर्शन की प्यासे, काशी के बासी नाथ नाथ मारा पर्वतरा बासी, कोई युग में आपने जी मुझे भर दिया बचने अनेक नाथ, गिनता गिनता गस चली सिमारी आंगलिया री रेख दर, पान छड़ावा फूल छड़ावा थर देवा दूध चढ़ाए नाथ मारा देवा दूध पर नाथ कल्याणारी ओम प्रकाश की नया लगाओ बेड़ा पार पुला, शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से माता पार्वती वो गंगा के तट पे खड़ी होकर के कहने लगी, हे सहेलियो, ये मेरी हमजोली, आप इनकी सेवा करिए ना। कि सेवा किसकी करवाती है? ये मिट्टी का ढेला तेने हाथों से बना के तैयार की है और हमसे कहती है इनकी सेवा करो, क्या भला है ये? हे सहेली, ये भला नहीं है, ये मेरे पति है, ये मेरे सुहाग है। हे पार्वती, हम आज चल करके तुम्हारी माँ से कहेंगी। तो पार्वती की संग की सहेलियों ने माता मैना के पास में जाके कहने लगी, हे माता मैना, ये तुम्हारी पार्वती बिल्कुल पगली हो चुकी है, आप इनके लिए कोई बरखी तलाश करिए। तो रानी
अपने राजा को बुलवा के कहने लगी, हाय मेरे प्राणनाथ, आज तो मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ। हे देवी, वो क्या? महाराज देखिए, अपने 7 साल की कन्या हो चुकी है, कुछ साल 6 महीना बाई के घर पर तलाश करने में लग जाएंगे, इसलिए मेरे प्राणनाथ ये पार्वती का टीका नारियल लेकर के किसी विप्र देवता को भेज दीजिए। हे रानी, ऐसी क्या जल्दी है? महाराज, आप देखते हैं 7 साल की कन्या है, ये इधर उधर घूमती है, हमारी देहली इधर से उधर पार करती है, इसमें हमको बड़ा दोष होता है, क्योंकि महाराज आगे कलू काल बहुत खराब आ जाएंगे। रानी, कितने खराब आ जाएंगे? महाराज आप सुनिए ना, बोल शंकर भगवान की जय। भगवान की जय। हे महाराज, आगे कलयुग इतने खराब आ जाएंगे, इसलिए मेरे प्राणनाथ आप पार्वती का टीका नारियल लेकर के और किसी भी प्रदेवता को भेज दीजिए। क्या रानी, ये बात सत्य है? हाँ महाराज, असत नहीं हो सकती है। तो महाराज हिमाचल ने घर के ब्राह्मण लिए बुलाए, चंदन की चौकी दीनी बिछाए, गजमुतीन चौक पर आए राजा। आइए महाराज भी प्रदेवता, जैसा हमारा घराना है ऐसा ही कोई सुंदर कन्या के वास्ते बर जाकर के तलाश करिए महाराज, और जैसे हम चक्रवर्ती राजा हैं ऐसा ही कोई राजा जाके तलाश करिए। महाराज, वो कहा है किसी ने कि मारी को ऐसे घर दीजिए ये झरो के बैठी राज करे, सो हे भी प्रदेवता, हमारी को ऐसा घराना तलाश करना। अच्छा महाराज, बहुत अच्छा, तो 5 मोहर 25 रुपया रतन जड़ाऊ सोने का कंकन हीरा रूपा का लेके नारियल विदा हुई पंडित ज्ञानी। तो घर से भी प्रदेवता चले, तो किस प्रकार से सोन सुगुन मनाते जा रहे हैं वो आप
श्रोतागणों के सामने पेश कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। तो चारों तरफ को पंडित राज घूम चुके मगर पार्वती की ओर कोई वर नहीं मिला, तो वापस लौटने लगे। तो अब वापस आकर के और क्या देखते हैं कि माता पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। तो पंडित राज पाताल लोक में पहुंच गए। वहां देखते हैं महाराज वासिक सो रहे हैं, नागिन उनके चरण दबा रही है। हे नागिन, तुम्हारे राजा सोते ही जगते हैं, कहिए ना महाराज ऐसी क्या बात है कि मैं इनका टीका लेके आया हूँ। महाराज आप कहाँ से लाए हैं? राजा हिमाचल के यहाँ से। उनका नाम क्या है? कि उनका नाम है पार्वती। हे महाराज विप्रदेता आप क्या कह रहे हैं, जिनका नाम आप पार्वती लेते हैं वो तो हमारी माता हैं और भगवान भोलेनाथ हमारे गुरु कहलाते हैं, आप यहाँ से शीघ्र ही पधारिए प्रभु। तो पंडित राज को विदा दे करके और यहाँ से विदा किए। अब पाताल लोक से चले ब्राह्मण मज लोक में आ पहुंचे। बाघ झूलती मिली पार्वती, महाराज हमारी राम राम दादा पांडे। हे महाराज आप कहाँ गए थे? पार्वती में गया कहाँ था? तुम्हारे लिए कोई बरखी तलाश में गया था।
महाराज मेरी माता और पिता तो राजा हैं, राज के मत में आकर के भूले हुए हैं। महाराज तुम तो चार वेद 18 पुराण के वास्ते जानने वाले हो और फिर भी तो आप उनके साथ साथ भूले फिरते हो। अरे डोल डोल मर जाएगा ब्राह्मण, भटक भटक के मर जाएगा ब्राह्मण। मेरा तो घर बड़ नहीं पावे, मेरे तो घर भर में ही बताऊं, बड़े बड़े के इलाज बताऊं। पांच मंडी कंचन की बनी वहां बैठो है मन को लेरी, मैं तो वहीं जाके ध्यान धरूंगी महाराज, और मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। इतनी बात के लिए सुनकर के अब पार्वती कहती हैं, शिवे भोला जो बसेरे कैलाश सगाई मेरे माए करियो, सगाई मेरी माई कारियो। अरे ब्रह्मा फंदो ना दिया सन, कैलाश को जा रे ब्रह्मा फंदो ना दिया सन, अरे कैलाश को जा रे ब्रह्मा फंदो ना दियो सन, कैलाश को जा मेरा दादा फंदो ना दियो सन। आके धतूरा घोटर पीवे, समझाए के ब्राह्मण के लासन को जाए, गौरा गौरा के समझाए ब्राह्मण के लासन को जाए, देख देख भूतन का गल्ला, खुआ पे नाड़ी बोली जाए, सगाई मेरी हरे हरे सगाई मेरी भाई करियो। भोलेनाथ बसेरे के लास सगाई मेरी हम सगाई मेरी करियो, बसेरे के लास अगर